जितने भी BKCL के इसमें दोषी अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं इन अधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूँ कि या तो आप आके वार्ता करें, अन्यथा हम रास्ता भी रोक सकते हैं, GSS भी ये लोग ब्लॉक करेंगे। अभी तो ये कह रहे हैं हम तो 20-25 लाख रुपए देंगे, क्या कोई पशु मारा है क्या आपने, क्या हम सारे मर गए क्या कि तुम 20 लाख में जो है राजी बच जाते हो। गिरे बाप रे नौकर कोनी जो को दिन को मैठ बैठा एक आदमी मर गयो और बेबीरो तमाशो बना रहे हैं। सारा लोग सागे इन टू इट बजा और BKCL बीकानेर बारे काटनो में प्रण कर सा। राम राम, नमस्कार, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है जल को बीकानेर पर। फिलहाल ये टाइम बीकानेर PBM हॉस्पिटल के मोर्चरी के सामने आप खड़े हैं। जट आपने पीछे देख सको हजारों लोग है जिगाटा पहुंच चुके हैं के कुछ बातचीत है, बातचीत करने की कोशिश करना ला रहा। और हजुवाड़ा पूर्व विधायक गोविंद राम जी मेघवाल भी मौजूद है, तो क्या वास्ते लोग इकट्ठा हो रखे हैं, बातचीत करेंगे आप लगातार वीडियो सागे जुड़े रहिए। अब आपने सागे अठे खाजवाड़ा सुन पूर्व विधायक गोविंद राम जी मेघवाल भी आपने सागे मौजूद है। पहले तो आरसू घटना है जी की जानकारी लेवा के कुछ घटना है सब के कुछ घटना है जिसकी वजह से आज सैकड़ों तादाद मान अठ लोग है जी का PBM हॉस्पिटल मान इकट्ठा होया। तेजकरण मेघवाल निवासी भीमनगर बीकानेर जो कि BKCL में सुपरवाइजर पद पर यह कार्यरत था, इन अधिकारियों की जबरदस्ती और गुंडागर्दी की वजह से, जबकि इसकी ड्यूटी नहीं है खंभे पे चढ़ना, लेकिन मेरी जानकारी में आया कि CEO से लगा के यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने दबाव बनाया और प्राय ये कर्मचारियों पे दबाव बनाते हैं। इनके पास ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनके पास ITI का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ट्रेंड नहीं है, और उस आदमी को सुपरवाइजर होते हुए ऊपर चढ़ा दिया खंभे के ऊपर और पीछे से लाइन चालू रख दी। ऐसे साजिश तय होती है भाई, ये तो कोई साजिश है किसी कर्मचारी को मारने के लिए कि विद्युत कर्मचारी को आप ऊपर चढ़ा रहे हो, लाइन चालू रख रहे हो। इसलिए ये जितनी भी जनता है इसमें कर्मचारी भी हैं बिजली के, सारों में गुस्सा है कि जितने भी BKCL के इसमें दोषी अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए कम से कम 1 करोड़ रुपये, क्योंकि उसकी 25-30 साल तो सर्विस पड़ी थी, जोड़ लगाए तो 70-80 लाख तो बनते हैं। इसलिए कम से कम 1 करोड़ रुपये उस आदमी को जो है BKCL जो है मुआवजा दे, एक परिवार के आदमी को नौकरी जारी करे और उसकी पेंशन चालू करे। और जब तक ये काम नहीं करते हम मोर्चरी के सामने बैठे हैं, और मुझे दुख इस बात का है कि हम सुबह से बैठे हैं 8 बजे से, अभी तक BKCL का एक भी अधिकारी नहीं आया है। मैंने SP कलेक्टर साहब को सबको सूचना दे दी है, शांतिपूर्ण हम लोग बैठे हैं और ये BKCL बड़े बदमाशी कर रहे हैं, हमें और पुलिस को आपस में टकराना चाहते हैं। मैं इन अधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूँ कि या तो आप आके वार्ता करें, अन्यथा हम रास्ता भी रोक सकते हैं, GSS भी ये लोग ब्लॉक करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो BKCL का घेराव करके और इनको जो है बाहर लाएंगे दफ्तर से, क्योंकि पूरा बीकानेर शहर परेशान है इनसे। हर मोहल्ले में लोगों के कनेक्शन काटते हैं, जहाँ भी इनको रिश्वत नहीं मिलती उनके बड़े बड़े बिजनेस के नाम पर ये लोग बिल बना के भेज देते हैं। आम आदमी का जीना दुबर हो गया है बीकानेर शहर के अंदर, 4 गुने इन्होंने बिल कर दिए, जिनका 2000 बिल था 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। और अगर कोई बिल टाइम से नहीं भरता है तो ये जा कर के और उसके घर जो है इस तरह की घटनाएं करते हैं। मैंने अभी वीडियो देखा है कि उस घर में इन्होंने जबरदस्ती की और उस आदमी की थोड़े दिनों बाद में डेथ हो गई। हम आए दिन, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक पार्टी के जिम्मेवार आदमी होने के नाते, अब हम सोशल वर्कर होने के नाते, अब हम ये आंखों से बैठे बैठे देख नहीं सकते। हमारी ड्यूटी है विपक्ष में होने के नाते कि जनता के अंदर अगर सरकार कोई बात नहीं सुने तो हमारी ड्यूटी है कि उनकी समस्या को सुन करके और जनता का और इसका सरकार का हम ध्यान आकर्षित करें। तो मैं पुणे प्रशासन से मांग करता हूं कि आप BKCL के अधिकारियों को यहां भिजवाएं, हमसे बैठ के वो वार्ता करें और आगे का कोई रास्ता निकालें। अभी तो ये कह रहे हैं हम तो 20-25 लाख रुपए देंगे, क्या कोई पशु मारा है क्या आपने, एक इंसान की जान गई है, वो नौजवान था, क्या हम सारे मर गए क्या कि तुम 20 लाख में जो है राजी बच जाते हो। डेथ हुई शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं उनके, उनका परिवार है, गरीब परिवार है, 3 बेटियां, 3 बेटियां है, विकलांग है, एक बच्ची विकलांग है, और उसकी इतनी साख थी कि आज जितने भी लोग बैठे हैं ये सब उनके मतलब फैन थे कि वो आदमी आधी रात को भी ये फोन करते थे, तो एज ए कर्मचारी मतलब जो है अच्छा कार्यकर्ता होने के नाते आके इनकी बिजली संबंधी बात करता था। सभी पार्षद उसके, इसलिए सभी पार्षद आज इस धरने पे बैठे हैं, और ये जो जनता आई है उसमें बिजली के कर्मचारी भी हैं, समय से कर्मचारी अधिकारी आके बात करें, और अगर नहीं करेंगे तो ये आंदोलन बढ़ेगा, उसके लिए BKCL जिम्मेवार होगा। और हम लोग चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े लेकिन तेजकरण के लिए जो मांगे हमने की है वो पूर्ण करवाएंगे। और अभी एक लाइट रो भी चक्कर चाल रही, टाइम पर लाइट भी कौन दे रही है, और जब बारे से जवाब पूछो जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे बगैर लाइट काट दी जाओ, और जब जवाब मांगे तो क्या पीछे लौट जाता है।
सच्चाई ये है कि ये सरकार चल रही है भगवान के भरोसे। गांव में ट्यूबवेल पर 2 घंटे लाइट मिल रही है, बिल जा रहे हैं मुल्कों के। हमारे टाइम में तो हमने 2000 यूनिट गांव में फ्री कर दी थी, 200 यूनिट घर में फ्री कर दी थी। अभी जो है इस सरकार का कोई धनी दौरी नहीं है। कई किसान अब किसान जगह धरने पर बैठ रहे हैं ये लाइट आने के खिलाफ। आप देख रहे हो कि अखबारों में डेली आ रहा है जीएसएस का घेराव है। मैंने खुद ने जो है सेरुना में जाके घेराव किया था जी। और गांवों के अंदर हालत ख़राब है। कोलाई से भी फ़ोन आ रहे हैं, खाजूवाला से आ रहे हैं, पूरे ज़िले से बिजली के संबंध में सब परेशान हैं। लेकिन आज हम जो बैठे हैं, आज हमारा ये बीकेसीएल के खिलाफ मूवमेंट है, क्योंकि गांव में जो बिजली दे रहे हैं वो कंपनी अलग है और ये एक प्राइवेट कंपनी है शहर के अंदर जी। आज हम जो बीकेसीएल है उसकी दादागिरी के खिलाफ बैठे हैं कि आप अपने कर्मचारी को नहीं देख सकते, संभाल नहीं सकते, उसके परिवार को नहीं देख सकते, तो आप आम जनता को क्या देखोगे? वो तो सारे भगवान के भरोसे। और मेरी एक चेतावनी और है, आपने पूर्व में जो हमारे पार्षदों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, चालान करवाए हैं, वो वापस लें, अन्यथा आने वाले समय में हम जनता को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। और जो सारी चोरियाँ हैं आपकी, इसको भी रोकेंगे। और जनता में जो भी आप परेशानी पैदा कर रहे हो, बिल बड़ा बड़ा के भेज रहे हो ऑडिट के नाम पर, वो बिल भी आप रोकने का काम करो, नहीं तो आने वाले समय में बीकानेर की जनता सड़कों पर आके आपके हर जुर्म का जो है जवाब देने के लिए तैयार हो रही है और बीकेसीएल को यहाँ से बीकानेर से भगाने का काम करेगी। बार बार प्रयास कर रहे हैं हमें लोग, बीकेसीएल रो एक भी आदमी आवन ने तैयार कोनी। बीरे तो काना पर जू नहीं रेंग रही है। 2 दिन तक वो गरीब कर्मचारी अस्पतालों में भर्ती हो, वहाँ आ रही नहीं, संभालो कोने नहीं। अब अठे लगभग 20 पार्षद और मारा पूर्व मंत्री जी, मारा जिला अध्यक्ष जी, सारा लोग मैं सुबह सुबह बैठे ये धूप रहे, मैंने परेशान हो रहे हैं। मेरे परिवारजन अट बिलख रहे हैं और बीकानेर और आसपास रहे गाँव सू सगड़ा लोग अट मेरे समर्थन में बैठे हैं, लेकिन बीकेसीएल वार्ता करण खातर बिल्कुल भी तैयार कोनी। और आ बीकेसीएल री लार ले 8 साल सू लगातार दादागिरी चल रही है और मैं बार बार ही बीकेसीएल ने चेता रही हूँ, मनिया लाग रही है, अब वो समय आ गयो है। बीकेसीएल रहा बोरिया बिस्तर बांध रटू बगाड़ो ही पड़सी, इरे सिवा कोई इलाज को नहीं आपा कने। और भी जी की जैसे मंत्री जी बताई कि 3 मांगा बताई, तो के कुछ मांग ही राखी। देखो मंत्री जी ने जो मांग है वो एकदम जायज़ मांग बताई है। तेज किरण मेघवाल जी को साथी हो मेरे आज डेथ हो गई है, बीकेसीएल की लापरवाह वजह से डेथ हुई है। और आप सब देख सका कि टेक्निकल व्यकन सर्टिफिकेट को नहीं सरकार बीकेसीएल कर्मचारी दबाव रकान बिनो दबाव रकान कॉल पर चढ़ गयो, मेरी डेथ हुई। मेरे आज 3 बच्चा है, एक बच्ची है जो विकलांग है, 3 लड़कियां हैं। और आप रो कर्मचारी होते हुए भी कोई हॉस्पिटल में सूद कौन ली? और ना ही आज मरने बाद मैंने तमाम मंत्री पार्षदगण जनप्रतिनिधि बैठा है सरकार, ना तो भाई बीके से कोई कर्मचारी आया, ना प्रशासन में कोई एक आदमी आयो, ना SDM आयो, ना ADM सिटी आयो। मैं कड़े शब्दों में भी बात आज मैंने निंदा करना चाहूँ और मांग करना चाहूँ कि कम से कम 1 करोड़ रुपये मेरे परिवार ने मिले, थविंदा पर मेरी मिसेज ने नौकरी मिले, मेरे परिवार आगे कहीं आप लोग कर सकें मेरी व्यवस्था की जाए। हम सब बैठे हर मांग कर रहे हैं, अन्यथा बीकेसीएल के खिलाफ बड़ो आंदोलन करसा, सड़क पर उतरसा और बस चालियो तो बीकेसीएल के मेन ऑफिस पवनपुरी मैंने ताला ढक्कर बंद कर देवा। अगर अब भी अगर मांग नहीं माने ला तो 1 करोड़ अगले 1 घंटा रो अल्टीमेटम आखिरी है, अगर नहीं आया तो बिहार ऑफिस रो घेराव करके पूरे बीकानेरी लाइट बंद कर दे सा। अठगिरे बापरा नौकर को नहीं चुको, दिन गो मैट बैठा एक आदमी मर गयो और बेबी रो तमाशो बना रहे है। वो आखिरी 1 घंटो है, 1 घंटे की चेतावनी है, अगर बीकेसीएल रो CEO टेबल पर बात करने तैयार नहीं है तो माने भी कोई लोड को नहीं, कोई डर कौन लगे, माने पूरे बीकानेर में बिजली कौन चाहिए और सारे आम आवा हमारे साथ है, सब हाथ ऊपर कर समर्थन करो भाई, सारा लोग सागे इंट वीट बजा और बीके सेलर बीकाने रूबारे काटने में प्रण कर सा। 1 घंटो आखिरी चेतावनी जलकोर माध्यम सू और माने हमारी छाती चोड़ी हुई है आपने डाने सू कि जलको राजस्थान हमारे बीच में हमारो दर्द जान खातरा है, तो आपने भी ये बात रो आभार है कि आपने द्वारा हमारी बात दूर तक जासी, गरीब गुरबे न्याय मिलन खातर हमारा मंत्री जी अध्यक्ष जी सही तमाम पार से जो संघर्ष लड़ रहे हैं युवा साथी बात ने आगे स्प्रेड करने में थारी मदद जरूर से धन्यवाद। बीकेसीएल कंपनी के खिलाफ जो हमारा गुस्सा हो वो भी आप लोगों ने दिखाया, पूरा वीडियो देखने के बाद में आप लोगों ने कहीं कुछ विचार थे मैंने कमेंट और माध्यम से जरूर जरूर बता लो, साथ ही वीडियो ने बीकेसीएल मुर्दाबाद, बीकेसीएल मुर्दाबाद, 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 बिजली कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ।